हरे कृष्णा राधे राधे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे पास एक अन्य बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, एक से ज्यादा लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में अभी छोटे से 0 नंबर के या 1 नंबर के बाल गोपाल की सेवा हो रही है, बट वो बड़े ठाकुर जी चाहते हैं क्योंकि छोटे ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छे से नहीं हो पाता। छोटे ठाकुर जी में इतनी ज्यादा बारीकियां होती हैं, उनकी पोशाक हम अच्छे से नहीं बना पाते, तो वो बड़े ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, बड़े साइज के ठाकुर जी लाना चाहते हैं, तो वो छोटे ठाकुर जी का क्या करें। और कुछ हमारे पास अन्य प्रश्न आते हैं कि कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि सिर्फ घर में एक ही गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, तो क्या चीज सच है। आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, घर के अंदर एक से ज्यादा लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल होते हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं। युगल जोड़ी जो हमारे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी होती है वो एक से ज्यादा घर में नहीं होनी चाहिए, बट बाल गोपाल हम 2-3 कितने भी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ये पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरा प्रश्न जो आता है कि हमारे घर में छोटे गोपाल जी और हम बड़े लाना चाहते हैं, तो फिर छोटे वालों का क्या करें। ठीक है, देखिए आपके घर में छोटे गोपाल जी हैं, आप बहुत आराम से बड़े गोपाल जी ला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप बड़े गोपाल जी ला रहे हैं तो छोटे गोपाल जी को आप कहीं छोड़ आएंगे या उनको विसर्जित कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, बाल गोपाल का विसर्जन नहीं होता, उनको विसर्जित नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा है और अगर दूसरा बच्चा आएगा तो क्या पहले वाले को हम छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक गोपाल जी है और उसके बाद हम दूसरे गोपाल जी लाए और पहले वाले गोपाल जी को छोड़ दें या उनको किसी और को दे दें। दूसरी चीज एक और भी है, जितने सालों से वो आपके घर में है, मतलब कईयों के बहुत पुराने उनके दादी नानी के जमाने से ठाकुर जी घर में है, तो इतने सालों की जो सेवा होती है उसके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो उतने सालों की सेवा उनकी 0 हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें कि नए गोपाल जी लाए और पुराने गोपाल जी की सेवा छोड़ दे, ये गलत होता है, ये पाप में आ जाता है। अगर आप चाहें तो नए गोपाल जी ला सकते हैं और दोनों गोपाल जी की प्यार से मन से दिल से सेवा करें, वो बहुत अच्छा है। अब कई लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही गोपाल जी की सेवा होनी चाहिए, तो ऐसा उन लोगों ने मुझे नहीं कहा है, मुझे इस विषय में नहीं पता है। हाँ, बड़े गोपाल बड़े ठाकुर जी जो है, जो हमारे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, वो घर में एक ही सेवित होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं। बट गोपाल जी हम कितने भी सेवा कर सकते हैं क्योंकि वो बाल रूप में है, वो छोटे हैं, वो नन्हे हैं, तो उनकी हम कितने भी गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, जैसे घर में 3 गोपाल जी है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए, उनको है ना अलग अलग नहलाना होता है, वस्त्र उनके अलग अलग पहनाएंगे आप, बट इकट्ठे उनको एक साथ एक ही बेड पे आप सुला सकते हैं। बेड का साइज थोड़ा बड़ा रखिए ताकि सारे गोपाल जी आराम से सो सके, उनको एक ही थाली में भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 गोपाल जी हैं तो आप 3 थालियां रखेंगी, ठीक है, आप एक बड़ी थाली रखिए मंदिर में, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि जैसे अगर मान लीजिए 3 बच्चों को हम बिठाते हैं खाने के लिए, तो तीनों को रोटियां अलग अलग देंगे या उतना फूड थाली के अंदर होना चाहिए जितना 3 बच्चों के लिए बहुत रहेगा, तो उस हिसाब से भोग लगाइएगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रोटी दे दी और बस हो गया भोग का, तो इतना ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी उतनी हो कि हाँ, क्योंकि आपके मन में तो ये भाव है ना कि 3 बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, अगर 3 बच्चे खा रहे हैं तो उसके बाद उतना ही क्वांटिटी का फूड भोग में रखिएगा कि तीनों आराम से उसे खा सके। आप उनका एक ही सिंहासन रख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग सिंहासन रख सकते हैं, मतलब एक बड़े साइज का सिंहासन लेके सभी गोपाल जी को उस पे विराजित कर सकते हैं। तो देखिए, सुविधा के अनुसार आप इन चीजों को तो चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। मंदिर में छोटी जगह है तो आप एक बड़ी जगह पे, मतलब जैसे मंदिर के नीचे ही एक रैक बनवा सकते हैं, या कई लोग अलमीरा, एक प्रॉपर अलमीरा होती है, उसके ऊपर ठाकुर जी का बहुत अच्छा सा रूम या मंदिर टाइप बनाते हैं, तो उस तरह से आप कर सकते हैं ताकि उसमें सारे ठाकुर जी की जरूरत की चीजों को
उनका बेड हो गया, उनके कपड़े हो गए, उनकी और चीजें हो गई, उनको बहुत अच्छे से अरेंज करके आप एक प्रॉपर रूम के रूप में उनको बना सकते हैं। ये सब चीजें आपके खुद के ऊपर होती है। एक हमारे पास और क्वेरी आती है कि कोई हमसे ठाकुर जी की सेवा लेना चाहता है या कोई अपने ठाकुर जी की सेवा दे रहा है तो क्या हम ले लें? जी बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए ठाकुर जी को कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता। अगर सपोज कीजिए कि कोई महिला है जो बहुत बीमार रहती है और ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, अगर उनके घर में वो सेवित नहीं होंगे तो उनका मन दुखी होता है। ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि हम ये सेवा किसी और को देते। अगर आपको ऐसी सेवा मिल रही है तो बहुत खुशी से आप सेवा ले सकते हैं। बल्कि उस समय में हम ये कहते हैं कि देखो उन लेडी ने आपको ही क्यों बोला सेवा देने के लिए, हो सकता था ना किसी और को कहती, क्योंकि वो ठाकुर जी आपकी सेवा चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने स्पेशली इतने लोगों के बीच में आपको कहा है। तो बिल्कुल मन से सेवा लीजिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि वो उनके ठाकुर जी है, उनकी सेवा मैं लूं या नहीं लूं। और जितने मन से प्रेम से वो सेवा कर रहे हैं उतने मन से प्रेम से आपको भी करनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमें गिफ्ट में आ गए हैं। देखिए पहली चीज तो क्या होता है, ठाकुर जी कोई टॉय नहीं है, कुछ वो नहीं है, आप किसी को ऐसे ही उठा के ठाकुर जी दीजिए मत। और दूसरी चीज, जिनको मिले हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि देखिए अगर ठाकुर जी अपने आप आपके घर आ गए ना तो बहुत भाग्य की बात है। ठाकुर जी आपकी सेवा चाहते हैं, आपको सेवा का मौका दे रहे हैं, तभी स्वयं से अपने घर आए हैं। कितनी भी परेशानियां हो या आपके मन में किसी भी तरह का संकोच हो कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी या कोई भी और परेशानी हो, तब भी मन से उनकी सेवा कीजिए। एक बार आपको हाथ बढ़ाना है, बाकी सब तो ठाकुर जी खुद संभाल लेते हैं। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ ठाकुर जी की सेवा के लिए। कई लोगों के मन में बहुत डाउट होता है कि भाई मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, मेरे इतना नहीं है कि हम डेली उनको प्रॉपरली भोग लगा सके, नहीं कर पाएंगे। देखिए जो नहीं शब्द होता है ना, ये कलयुग का और पाप का दिया हुआ है, वो हमारे मन में डर को लाता है। ठीक है, आप इस नहीं शब्द को छोड़िए और उसके बाद बोलिए ठाकुर जी जैसी आपकी मर्जी हो ना वैसा मुझसे करवा लो, मैं आपकी दासी, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, जैसा आपको लगे ना वैसा आप करवा लो। अगर कोई हमारे घर में जो हमारे हाउस वर्कर्स होते हैं, लाइक जो हमारे को हेल्पिंग के लिए आते हैं, आंटीज आती हैं, अगर वो कह देना कि भाई तुम जैसा मुझे बताओगे मैं वैसा वैसा काम कर लूंगी, तो हम उनको कितने अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि भाई हर किसी का घर अलग होता है। अगर इसी तरह ठाकुर जी हमसे सेवा करवाएंगे तो क्या हम कर नहीं पाएंगे? तो बस एक बार इस नहीं शब्द को छोड़ के अपने आप को संपूर्ण रूप में ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए, उसके बाद देखिएगा सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी। जब हमने सेवा शुरू की थी तो मेरा सबसे बड़ा डाउट ये था कि कुकिंग करते समय जो कभी मैं टेस्ट कर लेती हूँ फूड को नमक मिर्च चेक करने के लिए, तो वो मैं कैसे करूंगी और उसके बिना मेरा खाना प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। बट देखिए अब ठाकुर जी आए ना, गलती से भी कभी कुछ चीज मेरे मुंह में नहीं जाती है। जब किचन के अंदर, मतलब स्पेसिफिकली अब ऐसा हुआ था पिछले दिनों में कि मैं अपनी मम्मी के घर पे गई थी, वहां ठाकुर जी की सेवा नहीं है और वहां पे उन्होंने सब्जी बनाई और उन्होंने मुझे कहा प्रीति टेस्ट करके बताना कैसी बनी है सब्जी, और मैंने बोला नहीं नहीं मैं ऐसे टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठाकुर जी के खाने के बाद जब मेरे थाली में आएगा तभी मैं खाऊंगी। और उन्होंने बोला नहीं यार ठाकुर जी नहीं, तुम टेस्ट करके देख लो। मैंने कहा नहीं नहीं ठाकुर जी हर जगह है और मैं ऐसे टेस्ट नहीं करूंगी। तो मतलब अब गलती से भी गलती नहीं होती, ये सबसे बड़ी चीज है। तो अगर ठाकुर जी आपको किसी भी रूप में किसी भी तरह से सेवा का मौका दे रहे हैं तो उस उपलब्धि को छोड़े ना, उसको बिल्कुल हर तरीके से ले। छोटे गोपाल जी हो, बड़े गोपाल जी हो, काना जी होते हैं, मन से प्रेम से भाव से उनकी सेवा कीजिएगा, आपको देखिएगा बहुत बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखिएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारी एकादशी के ऊपर होगी, तो एकादशी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो उसे हमें लिख के भेजिएगा। हम सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो में इंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो एकादशी इन्फॉर्मेशन की बनाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।